हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं मार्केट एनालिसिस। जैसे कि आप देख पा रहे हो, फर्स्ट गोल्ड का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो गोल्ड का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग चलते हैं कि क्या 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 न्यूजेस है इस वीक के। तो न्यूजेस है कि जैसे कि आप देख पा रहे हो, 8 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है न्यू वीक। एंड न्यू वीक में ज़्यादातर तो न्यूजेस तो नहीं है, लास्ट वीक को बहुत ज़्यादा न्यूजेस था। तो आई थिंक मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे स्टार्ट करते फ्राइडे तक। तो मंडे तो ज़्यादा न्यूज, ज़्यादा न्यूज नहीं है एंड न्यूजेस अभी भी अपलोड हो रहा है, तो लेट्स सी अपलोड होने दो। तो चलते हैं गोल पे जाने के बाद आप लोग देख पाओगे, मैं पहले से ही ड्रॉ कर चुका था हर एक लेवल के एनालाइज। और हर एक लेवल्स, जो भी लेवल्स मैंने निकाला है, बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल्स है गोल्ड का। और तो लेवल निकालने से पहले, मैं लेवल शेयर करने से पहले पहले चलते हैं डॉलर में। और डॉलर मैंने भी पहले भी लेवल निकाल चुका हूँ। तो दो लेवल बन रहा है, जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद फिबोनाची का दो लेवल बन रहा है। 61.8 का लेवल बन रहा है, 1.02.162। और एक लेवल बन रहा है 61.8 का, नेक्स्ट लेवल बन रहा है 61.8 का ही, वो भी लेवल बन रहा है। और वो लेवल बन रहा है भी 1.02.2। तो ट्रेंड लाइन लेने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छा 61.8 का बहुत अच्छा लेवल है, तो यहाँ से सपोर्ट दे सकता है। तो गोल्ड तो नीचे थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, तो ड्यूएक्स से नीचे है तो गोल्ड थोड़ा बहुत और भी ऊपर जा सकता है। जैसे कि आप इधर से और थोड़ा बहुत इधर से रेंज करने के बाद, थोड़ा बहुत हाई जाने के बाद इधर से टेस्ट करके और भी नीचे आ सकते हैं इधर से। बस इंटर 1 वीक का व्यू है, तो बस वही है कि इधर से एक अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। लेट्स चलते हैं कि गोल्ड पे चलते हैं, 1 से USD पे चलते हैं। 1 से USD पे जाने के बाद आप लोग देख पाओगे तो मैंने कहाँ से लेवल लिया था। तो लास्ट वीक बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा ये जो पैटर्न है, 18 18 20 40 का जो लेवल ब्रेक कर चुका है और भी जा रहा है। तो मैंने कहाँ से लिया है, ये जो लेवल निकल रहा है 18, जहाँ से वो सपोर्ट लिया है 18 18 20 18 25 का जो जोन बन रहा है, इस यहाँ से सपोर्ट लिया लिया है मार्केट ने। देखना है आप लोग कहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है यहाँ से। तो यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, नेक्स्ट लेवल बन रहा है एग्जैक्टली, हाँ यहाँ से लिया है मार्केट ने सपोर्ट। तो पहले गया था मार्केट इधर से 72 पे तो नहीं गया, और 72 के नीचे से नीचे आ गया। तो इधर से मार्केट निकला था पहले, ये जो लेवल है यहाँ से निकला था मार्केट। तो मार्केट निकलने के बाद कहाँ तक गया, वेट वेट वेट, ये जो लेवल बन रहा है 1862, और लेवल लेवल का हाई बन रहा है इधर 1695 में। 1895 में ये जोन बन रहा है, और 1895 में जाने के बाद आप लोग देख पाओगे यहाँ स्पाइक लेवल बन रहा है 94 पॉइंट, इधर यहाँ तक बन रहा है। तो ऊपर का लेवल बन रहा है कि 1896 या 95 बन रहा है, 95 95 को 96 बन रहा है यहाँ से। और फिर बना कि वो बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट पे है, तो वह पे है स्ट्रक्चर का, ये यहाँ से जो ओल्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। तो यहाँ से 1896 और 94 से 96 का एक जोन बन रहा है, वही H4 पे चलते हैं। H4 पे जाने के बाद आप लोग देख पाओगे इधर से बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है मार्केट ने। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कंसिस्टेंटली है बाइंग जा रहा है। और 18 मैंने शेयर किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, तो अनएक्सपेक्टेड मूव आया था ये जो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने के बाद। तो 1 आवर पे चलते हैं, 1 आवर पे जाने के बाद आप लोग देख पाए कहाँ से प्रीपी लास्ट सपोर्ट क्या बन रहा है। तो यहाँ से मार्केट बहुत ही अच्छा फॉलिंग वेज पैटर्न फॉलो कर रहा था। तो फॉलिंग वेज पैटर्न कहाँ से फॉलो कर रहा था, यहाँ से फॉलो कर रहा था यहाँ से यहाँ तक। और मार्केट ने फिर से M15 में चलते जाने के बाद आपको शेयर करता हूँ कि कहाँ से क्यों मार्केट ने यहाँ से फॉलिंग वेज पैटर्न लेने के बाद मार्केट ने जो भी न्यूज है वो भी ये जो बहुत अनएक्सपेक्टेड, ये फॉलिंग वेज पैटर्न न्यूज से पहले बन जाता तो जैसे कि यहाँ से आप होने के बाद इधर से बन जाता तो बहुत ही अच्छा पैटर्न रहता। तो मार्केट तो कभी यहाँ से ब्रेकआउट किया तो अनएक्सपेक्टेड थोड़ा बहुत मूव दिया, और नीचे का जो ट्रेंड लाइन है उसको सपोर्ट लिया। और लेने के बाद इधर से एग्जैक्टली ये जो लेवल है, ये जो 1840 1837 से ये जो मैंने बाई किया था और मैंने शेयर भी किया था, यहाँ से जैसे कि ब्रेक किया है यहाँ तक गया। और यहाँ से जाने के बाद यहाँ से पहले ब्रेकआउट करके कन्फर्मेशन दिया, कन्फर्मेशन करने के बाद इधर से एक सपोर्ट लिया था इधर से, सॉरी ब्रेकआउट करने के बाद एक फिर रिटेस्ट करने से में आया था। ये जो ट्रेंड फॉलिंग वेज का ये जो पैटर्न है उसको रिटेस्ट करने के बाद आने के बाद इधर से आया। तो गोल्ड कहाँ से सेल हो सकते हैं, गोल्ड यहाँ से सेल हो सकता है जैसे कि M15 का, तो अभी भी यहाँ से ट्रेंड लाइन लोग डबल टच ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट कर चुका है, बट मैं इधर से सेल नहीं देख रहा। मैं सेल देख रहा हूँ 1894 से, 1894 से मैं सेल दिख रहा हूँ।
1 आवर पे चलते हैं। 1 आवर पे एक बटन दिया है 1894 93 से 1999 तक बहुत ही अच्छा सेलिंग का जोन है। यहाँ से कहीं से भी गिर सकते हैं मार्केट, बट मेन मेरा मेरा जो की लेवल है वो 1896 पे है, और यहाँ पे मैंने एक सेल करूंगा 1894 to 96 पे। मैंने यहाँ पे एक सेल करूंगा ही करूंगा, क्योंकि इधर से फिबोनाची का 61.8 का जो लेवल बन रहा है दैट्स इट। और वन मोर थिंग, गोल्ड नेक्स्ट वीक भी बाइंग हो सकता है, क्योंकि ये जो बन रहा है, ये जो वीकली का जो कैंडल भी आप लोग देख पाओगे बहुत ही स्ट्रांग दिया है, और 1 डे का भी कैंडल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिया है। बट आई थिंक मंडे थोड़ा बहुत सेलिंग हो सकता है, और यहाँ से कहाँ तक आ सकता है मार्केट, यहाँ से ये वो जो पैटर्न मैं लास्ट पहले शेयर कर रहा था, तो यहाँ से पैटर्न आ सकता है। आई थिंक यहाँ से जाने के बाद मार्केट इधर का तो पता नहीं, फिर से जोन लगाना पड़ता है इससे, इसको इतना टाइम लगता है एनालाइज करने में, फिर से मैंने जोन लगाना पड़ता है। तो 61 पॉइंट लेवल का मैं आप लोगों को इधर से ऊपर से नीचे लाना है, फिबोनाची का ये बनता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से नीचे आने के बाद आप देख पाओगे कहाँ से बन रहा है ये जो लेवल, ये लेवल बन रहा है इधर 18, आई थिंक 1890 इधर 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 के, तो बोल रहे 1896 या 98 तक ये जोन बन रहा है, तो वही है 98 टच करने के बाद कहाँ बन रहा है 1895 से। और जो स्ट्रक्चर का जो स्पाइक जोन बन रहा है 1898 पे बन रहा है, यहाँ से सेलिंग बहुत अच्छा सेलिंग मिल सकता है, बहुत ही अच्छा सेलिंग मिल सकता है। रिमेंबर इट, यहाँ से सेलिंग जो आ रहा है वहाँ से लास्ट मिनट जोन मैंने चेक किया है 1854 के आ रहा है, तो 1895 से 1954 का एक्सपेक्टेड है, और 1872 ब्रेक कर ले तो भी ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा। तो अभी भी 1890 जो ब्रेक नहीं किया, तो इधर से बहुत ही अच्छा 54 तक आ सकता है दैट्स इट। क्योंकि बहुत ज़्यादा बाई सेलर थे, तो उन लोगों को भी क्लियर कर दिया मार्केट ने, तो सेलर क्लियर होंगे तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ जाएंगे। थोड़ा बहुत यूरो यूएसडी का भी एनालाइज कर लेते हैं मार्केट में। तो रिमेंबर इट वन मोर थिंग कि गोल्ड में को भी ट्रेड करने से पहले आप लोग एसएल डिसाइड कर लेना, क्योंकि एसएल के अलावा आप लोग ट्रेड करोगे तो फंसोगे 100% ही टाइम फंसोगे। तो इधर से ब्रेक कर लिया था, इधर से ब्रेक कर लिया था, इधर से बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रहा था, तो फिर से नीचे आ गया था। यूरो भी बहुत ही अच्छा बुलिश है, बहुत ही अच्छा ऊपर का जो ये जो लेवल बन रहा है यहाँ से जा सकता है। मैंने पहले ही शेयर कर चुका था कि बुलिश है बुलिश है बुलिश है, और मैं ट्रेड नहीं करता, बस मैं एनालाइज करता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और कहाँ तक जा सकता है। तो मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन का अभी भी सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग मिल सकता है। जैसे कि 8.4 पे चलते हैं, 8.4 का बहुत ही अच्छा ये जो पैटर्न है वो भी ब्रेक कर चुका है 8.1 पे, 8.1 पे मैंने चेक किया है, 8.1 का ये जो पैटर्न है बहुत ही अच्छा ब्रेक किया है मार्केट ने, और ये जो अपर ट्रेंड लाइन का बहुत ही अच्छा ब्रेक किया है। तो ब्रेकआउट करने के बाद स्टिल कंटिन्यूअसली अप जा रहा है, एंड यहाँ से रिटेस्ट करके और भी बाइंग हो सकता है। कहाँ तक बाइंग हो सकता है, वहाँ तक बाइंग हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं, और भी नीचे आने के बाद सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करके थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देगा, रिट्रेसमेंट देता रहता है आप नीचे, तो यहाँ से एक सेल हो सकता है, नहीं तो इधर से आने के बाद इधर से बहुत ही अच्छा सेलिंग मिल सकता है दैट्स इट। एंड पाउंड जीबीपी यूएसडी पे चलते हैं, तो हर टाइम आपको ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, ट्रेडिंग प्लान होता है कि मार्केट कब आप ट्रेड करोगे, कब कितना ट्रेड करना है, कब से कब ट्रेड लेना है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट में कभी भी ट्रेड करने से पहले आप लोग प्लानिंग कर लेना, तो बहुत ही अच्छा कब से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, और सपोर्ट लेने के बाद बहुत ही अच्छा ब्रेक किया है मार्केट ने, तो ये ब्रेक करने के बाद आई होप देख पाओगे मार्केट इधर से रिटेस्ट करने के बाद आई होप मार्केट बहुत ही अच्छा है, इधर से एक रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जा सकता है। तो मेरा बाइंग ही है, जीबीवीएसडी पे बाइंग पे, पर मेरा फोकस तो गोल्ड पे ही है। तो गोल्ड पे आप लोग हर टाइम ट्रेड करने से पहले एसएल यूज करना। और वन मोर थिंग, आप मैं और एक चीज़ बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि M5 का जो मैं शेयर करता था ट्रेंड लाइन में क्या होता है, N5 का ट्रेंड लाइन में बहुत कुछ होता है।
कभी M5 का ट्रेंड लाइन क्या है, मत जाना। यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, डबल बॉटम बनाया है, इधर से डबल बॉटम बनाया है, इधर से डबल बॉटम बना के कंसिस्टेंटली ऊपर चला गया। तो फिर से देखना आप लोग और भी चीज़ देख सकते हो। M5 का, बस M5 का है ये यहाँ से। तो बस जब भी ट्रेंड लाइन का काम करने का तरीका ये होता है कि ट्रेंड लाइन जब भी इधर से थोड़ा बहुत सपोर्ट लेता है तो ब्रेक होता है, जैसे 61.8 का लेवल बन गया फिर से ब्रेक होगा। तो ट्रेंड लाइन क्या करता है, ट्रेंड लाइन हार्ड ट्रेंड लाइन से हार्ड ट्रेंड लाइन मीन्स ट्रेडेबल नहीं होता। ट्रेंड लाइन कौन सा ट्रेडेबल होता है, जब ट्रेंडिंग मार्केट पे चल रहा है, जैसे कि आप देख पाओगे मार्केट का और एक थोड़ा इधर से थोड़ा बहुत रेंज कर रहा था तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर से और एक चीज़ देखना है, ये जो ट्रेंड लाइन का, ये ट्रेंड लाइन कभी भी, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, तो ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक करता है तो इधर से आने के बाद, जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको, इधर से किसी भी ट्रेंड लाइन को जब भी कंसोलिडेशन करता है किसी एक फेज में, तो इधर से थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने के बाद या रेजिस्टेंस लेने के बाद तो बहुत बहुत अच्छा काम। जैसे कि आप इधर से ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है तो इधर से सपोर्ट लेगा, डबल बॉटम बनाएगा, तब काम करता है। स्ट्रक्चर के साथ ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा काम करता है इधर से। तो थैंक यू, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले कुछ दिनों से, और मैं भी अच्छा खासा मैं शेयर करता हूँ, बस व्यू शेयर करता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं और कहाँ तक जा सकता है। तो थोड़ा बहुत हेल्प आप लोगों को भी मिल जाएगा, तो या नीचे या लिंक पे आप लोग आ जाना, तो ऐसे मिल जाएगा। और मेरा एक ब्रोकर सजेस्ट करता हूँ, एक स्नैक्स, बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा विड्रॉ डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ से मैं नीचे से लिंक कर दूंगा, यहाँ से आप लोग ज्वाइन करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग। एंड यहाँ से मेरा एक बुक भी सजेस्ट किया है, बहुत ही अच्छा बुक है, मेंटल फिटनेस फॉर ट्रेडर्स, तो वो भी पढ़ सकते हो। टेलीग्राम पे आने के बाद यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। थैंक यू।